नमस्कार, दिस इज नेहा सिंह एंड टुडे आई विल टॉक अबाउट द इकोनॉमिक क्राइसिस। यस, पाकिस्तान गवर्नमेंट इज फेसिंग एन इकोनॉमिक क्राइसिस एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन दे आर थिंकिंग फॉर, सारी बातें हम लोग डिटेल में जानेंगे। बट बिफोर दैट, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज सेशन, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू वन रिमाइंडर दैट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू अराइवल। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट अभी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है। पाकिस्तान का जो लीडिंग न्यूज़पेपर है द न्यूज़ इंटरनेशनल के खबरों के अकॉर्डिंगली अभी जो उनके कंट्री को, पाकिस्तान को $51.6 बिलियन की ज़रूरत है, जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से दे कैन डील विद देयर इकोनॉमिक क्राइसिस। जैसा कि मैं बता दूं कि इमरान खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत सारी प्रॉमिसेस, बहुत सारे वादे करके पाकिस्तान के गवर्नमेंट में कदम रखा था एंड दे गिव द एश्योरेंस टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जनता को उन्होंने एश्योर किया था कि उनके आने से पाकिस्तान की पूरी रूपरेखा ही चेंज हो जाएगी और पाकिस्तान विल गोइंग टू बी अ समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। वो क्या हुआ, कैसा हुआ, वो तो वहाँ की गवर्नमेंट ही जानेगी, पर हमें जो न्यूज़ मिला है, हम जिन बातों को जानते हैं और जिसके ऊपर हमारा आज का ये पूरा वीडियो है, उसके बारे में हम डिस्कस करें कि IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी, IMF दैट इज द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, उसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान गवर्नमेंट को $51.6 बिलियन की ज़रूरत है टू डील विद देयर इकोनॉमिक क्राइसिस। और ये जो पैसे हैं विदिन टू ईयर्स दे हैव टू जनरेट इन देयर इकोनॉमी, देन ओनली दे कैन डील विद देयर इकोनॉमिक क्राइसिस। और ये कैसे वो जनरेट करेंगे और किस तरह से उन्हें जनरेट करना है, दैट इज तो देयर, डेफिनेटली देयर थिंग टू थिंक। नाउ मैं बता दूं कि जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है 2021 and 2022 और 2022-23, उस अकाउंटिंग ईयर में जो फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर है 2021-22, उसमें उन्हें $23.6 बिलियन की ज़रूरत है। जो सेकेंड अकाउंटिंग ईयर है दैट इज़ 2022-23, उसमें उन्हें $28 बिलियन की ज़रूरत है, जिसके हेल्प से दे कैन डील विद देयर इकोनॉमिक क्राइसिस। जैसे कि हमें बता दें, जो भी एडिबल ऑयल्स हैं जो हम, वो लोग इंपोर्ट करते हैं अपने कंट्री में, जैसे कि हमारा इंडिया करता है, बहुत सारी कंट्रीज करते हैं जिनके लिए हमें पेमेंट करना पड़ता है, जो फॉरेन प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए हमें पेमेंट करना पड़ता है, तो दे कैन डील विद देयर, वो सारी चीज़ों को वो डील कर सकते हैं। और ये जो मैं आपको फिगर बता रही हूँ, ये एक बहुत ही कंजर्वेटिव फिगर है, मतलब मिनिमम दे आर इन नीड ऑफ $51.6 बिलियन, मैक्सिमम तो कितना होगा, देयर इज अ नो प्रॉपर डेटा। तो ये रहा, अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारा FDI होता है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, उसका क्या कंडीशन है पाकिस्तान में। जैसे कि मैं बता दूं कि अभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में है वो बहुत ही कम हो गया है। इट इज़ लाइक $1.6 बिलियन ही फॉरेन FDI उनके कंट्री में है, और FDI के ना होने की वजह से ही ये इकोनॉमिक क्राइसिस इतना ज़्यादा कंट्री में अवेल हुआ है। और जैसे कि मैं आपको एक और बात बता दूँ, वर्ल्ड के टॉप 10 कंट्रीज जिसके, जिनका डेप्ट फाइनेंशियल, वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट में सबसे ज़्यादा है, उसमें हमारा पाकिस्तान भी एडअप हो गया है, और पाकिस्तान का भी नंबर है टॉप 10 फाइनेंशियल डेप्ट में, फॉरेन डेप्ट में, क्योंकि वो इतना ज़्यादा पैसे वो वर्ल्ड बैंक से ले चुका है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से ले चुका है। वर्ल्ड बैंक की अगर मैं आपको, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड बैंक, तो पाकिस्तान का जो पैसे उन्होंने वर्ल्ड बैंक से लिया है, इट इज़ द जो अमाउंट है वो है 442 मिलियन डॉलर। यस, इतने पैसे वे वर्ल्ड बैंक से ऑलरेडी उधार ले चुके हैं, और ये उधार तो एज यू नो कि अगर हम लोग किसी से पैसे बोरो करते हैं तो एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर हम लोग बोरो करते हैं, तो डेफिनेटली वो जो इंटरेस्ट रेट है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा और आप पेमेंट रिपे नहीं करेंगे तो वो इंटरेस्ट रेट डेफिनेटली बढ़ेगा, और वो एक तरह से बर्डन हो जाता है फाइनेंशियल मार्केट में। अगर पाकिस्तान का डेप्ट का बात करें कि पाकिस्तान वर्ल्ड मतलब इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कितनी बकाया है, कितने पैसे उन्होंने लिए हैं, तो अगर मैं 2009 की डेटा बताऊं, तो 2009 में उनका जो भी अमाउंट था वो था $100.83 बिलियन वो डेप्ट ले चुके हैं, और ये इसमें 8% की बढ़ोतरी हुई है। यस, 2020 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान को 108.23 बिलियन डॉलर उन्हें वापस करना है, और इसकी वजह से उनके ऊपर जो बर्डन है, इंटरेस्ट का भी जो बर्डन है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि
कोविड के टाइम में बहुत सारे कंट्रीज को वर्ल्ड बैंक ने, आईएमएफ ने फाइनेंशियल एश्योरेंस दिया था, तो वो फाइनेंशियल एश्योरेंस तो वो यूं ही नहीं दे रहे हैं, डेफिनेटली दे विल आस्क अ इंटरेस्ट ऑन इट। और इसी इंटरेस्ट के साथ, और जैसा कि आप जानते हैं कि जो लोग रिच होते हैं, मतलब जिनके पास पैसे की अवेलेबिलिटी होती है, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर टू जिनके पास पैसे की क्राइसिस होती है, उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट से में बहुत ही डिफरेंसेस होता है। दोज हु आर रिच, दे आर सपोज टू पे लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर टू दोज हु डोंट हैव दैट मच ऑफ अमाउंट टू पे। तो ये डिफरेंसेस होता है, तो उसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पाकिस्तान को बहुत देना पड़ रहा है, बिकॉज उनका डेप्ट भी ज्यादा है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली दे डोंट हैव दैट मच ऑफ रेपुटेशन इन द फाइनेंशियल मार्केट, दैट इज वाई दे आर सफरिंग फ्रॉम द इकोनॉमिक क्राइसिस एंड ऑल। उसके बाद मैं ये भी बता दूं कि जब कोई भी, जैसे आईएमएफ ही हुआ, अगर आईएमएफ उनको इफ दे विल बी एबल, वो मीटिंग चल रही है, अगर वो आईएमएफ को कन्विंस कर सके टू गिव द $51.6 billion टू डील विद देयर इकोनॉमिक क्राइसिस, अगर वो कन्विंस कर सके तो दे विल गिव द मनी ऑन सम शर्तें होंगी, कुछ कंडीशंस होंगे, उस कंडीशन पे बेस्ड होगा, जैसे कि हमारा इंडिया के साथ ही हुआ था 1991 में, इंडिया भी इकोनॉमिक क्राइसिस से, we were suffering from the economic crisis और हमारा इंडिया भी, और उस समय उन्होंने ट्रेड में बहुत सारे लिबरलाइजेशन किए थे, लिबरलाइजेशन का बेसिकली उस समय ही इंट्रोडक्शन हुआ था, एलपीजी का इंट्रोडक्शन हुआ था। तो अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी आईएमएफ, इफ दे विल रेडी टू पे द मनी टू द पाकिस्तान, देन डेफिनेटली दे विल आस्क सम लिबर्टी एंड समथिंग आउट ऑफ दैट। डेफिनेटली जैसा कि सुनने में आ रहा है कि दे विल गोइंग टू आस्क कि जीएसटी जो है वो उसको स्टैंडर्डाइज कर देना होगा, कि एक स्पेसिफिक अमाउंट जीएसटी पे उन्हें पुट करना पड़ेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा कंज्यूमर इंडेक्स बास्केट है उसमें 450 गुड्स आते हैं, जिसमें से 50% गुड्स के ऊपर जीएसटी अवेल होता है, 50% को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। तो पाकिस्तान के केस में डेफिनेटली आईएमएफ बोल सकता है कि जितने भी 450 गुड्स हैं आप सारे गुड्स के ऊपर जीएसटी पुट कीजिए, और जीएसटी का एक स्टैंडर्डाइज कीजिए, 17%, 18% जो भी परसेंटेज होगा वो एक परसेंटेज पुट कीजिए, और वही परसेंटेज आप सारे गुड्स के ऊपर अवेल कीजिए। ऐसा नहीं कि एक प्रोडक्ट पे आप 10% ले रहे हो, दूसरे प्रोडक्ट पे आप 20% ले रहे हो, किसी पे आप 40% ले रहे हो, इस तरह की वेरिएशन ना दिखाए, देन ओनली दे कैन थिंक अबाउट कि मैं पाकिस्तान को कुछ पैसे दूँ। तो क्या होगा, हाउ दे विल डील विद दिस क्राइसिस, एंड हाउ द आईएमएफ, वेयर विल आईएमएफ, विल क्या आईएमएफ उनकी मदद करेगा, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, फ्यूचर में देखेंगे, और जो भी होगा आई विल डेफिनेटली डिस्कस विद यू पीपल। टिल दैट, नेहा सिंह इज सेइंग गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, नमस्कार।